अथर्व की बढ़ती शरारतों ने किया वंदना को परेशान। क्यों छुपाया तूने विद्युत का मोबाइल? तू कब बाज आएगा अपनी शरारतों से थर्व? कोई मेंढक देता है क्या गिफ्ट में, इडियट? माँ के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए अथर्व ने बनाया एक प्लान। बंदुराणी, रानी, आशा? आशा तो नहीं है। हर्षद, दक्षेश? नहीं, दक्षेश तो यहां हो ही नहीं सकता। बंधु, अरे बाप रे, क्या हुआ बंधु? हाँ, मैंने पूरा टिफिन खाया, उसके बाद में इनफैक्ट दासानी को भी मैंने नहीं दिया, और रोटियों के नीचे तुमने जो लव नोट लिखी थी उसका भी तो मैंने रिप्लाई भेजा, फिर तुमने बस चार बार फोन करके पूछा कि कितने बजे आओगे, तो मैंने कहा 6 बजे, देखो 8 बजे आ गया मैं, फिर तुमने वापस फोन करके पूछा कि खाने में क्या खाओगी, तो मैंने कहा कि मसाला खिचड़ी, देखो तुम पराठे बना रही हो, तो सब नॉर्मल है। हा? क्या हुआ बंधु वागले? थक गई हूँ राज। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो बाहर से खाना मंगाते हैं। हाँ, तुम खाना मत बनाओ, है? चल, नहीं चाहिए ये, हटाओ। क्या मंगवाया? चाइनीज मंगवाया? बच्चों को भी अच्छा लगता है चाइनीज, लेकिन चाइनीज तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तो पंजाबी मंगवाता है ना, पंजाबी डाल। लेकिन रात को पंजाबी तो इडली डोसा उत्तपा फाइनल करते हैं, ठीक है? हाँ भाई साहब, इटालियन में क्या है आपके पास? फोन काट। हाँ सॉरी, रॉन्ग नंबर है। घर के कामों से मैं नहीं थकती हूँ राज, उल्टा उससे तो मुझे खुशी मिलती है। अच्छा तो लेकिन अथर्व, क्या किया उसने, क्या किया? मुझे चाहिए ही नहीं अथर्व। अरे ऐसे कैसे चाहिए नहीं, मतलब अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि ले लो अथर्व अभी, नहीं उसके बदले में वो दो अच्छे वाले शरारत ना करने वाले दो बच्चे दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं नहीं हंसने वाली हूँ ना। अच्छा ओके, क्या किया अथर्व ने, क्या किया? उसके स्कूल में वो उसकी प्रियंका टीचर है, उनका फोन आया था रोते रोते, वो भी वीडियो कॉल। प्रियंका मैथ टीचर ना, वो जो 5 फुट 5 इंच गाल पे तिलक। अरे उसकी एक ही प्रियंका टीचर है ना? नहीं, दो है, जो दूसरी है वो 5 फुट 6 इंच है, वो पीटी वाली टीचर है। राज, पूरे इंडिया में कितनी प्रियंका है इसकी गिनती हम बाद में कर लेंगे। हा? कि बोरी बोली में 30, फिर पापा आएंगे ये बोलने के लिए कि सी दादर, दादर हैज 320 प्रियंका, सी द फन। क्या तो क्या फोन किया था प्रियंका मैम ने रोते रोते? मिस प्रियंका, प्लीज रोइए मत, आई एम सो सॉरी मैम। मैंने अथर्व से कहा सेंटीमीटर का मीटर करके दिखाओ, तो कहता है सो सिंपल, सेंटीमीटर से सेंटी हटा दो अपने आप मीटर हो जाएगा। यू नो व्हाट, सारा का सारा क्लास जोर-जोर से मेरे ऊपर हंस रहा था। हाँ, आप भी हंस लीजिए। I'm so sorry माँ। अथर्व is such an intelligent boy, बहुत शार्प लड़का है, इसलिए मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन शरारत करने की भी एक हद होती है मिसेस वागले। यू नो व्हाट, आज उसने मेरे टिफिन में एक मेंढक रख दिया। व्हाट? हाँ, मैंने लंच टाइम पे सैंडविच खाने के लिए जब टिफिन खोला तो उसमें से एक छोटा सा मेंढक मेरे ऊपर जंप किया। टिफिन में एक नोट पड़ा था, हैप्पी बर्थडे मिस। हैप्पी बर्थडे मैम, पर आप श्योर हैं कि वो मेंढक अथर्वा नहीं रखा था? हाँ, आया था ना वो बाद में, जब मैं पूरी क्लास में चिल्लाते हुए भाग रही थी और पूछा कैसा लगा मेरा बर्थडे प्रेजेंट। हिम्मत देखो उस बदमाश की, पहले बदमाशी करता है और फिर सामने से बोलता है कि ये बदमाशी मैंने की है। कहाँ है वो डाकू, वो बदमाश कहाँ है? सोच रहा होगा कहीं बैठ के,
कि क्या बहाना बनाया जाए अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए। तुम देख लेना और कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेगा वो कि उसने ये मेंढक क्यों गिफ्ट किया था टीचर को। पहले मुझे लगता था कि अनजाने में बचपने में ये शरारत करता है, लेकिन नहीं, ये रास्कल है ना, ये सोच समझ के प्लान करके शरारत करता है। लुच्चा। तो ये बात आपको हे भगवान इस वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलनी चाहिए। रास्कल तो आप ज्योति भाभी की तरह बोल रहे हैं कि कितना रास्कल है ना मेरा वो 2 BHK में रहने वाला क्यूट सा प्यारा सा बेटा। I'm so proud of him. नहीं नहीं नहीं, मैं खबर लेता हूँ उसके। अथर्वा, तिवारी जी अथर्वा को देखा? अथर्वा बाबा तो अभी गार्डन की तरफ भागकर गए रहे, उनका पीछे पीछे और बच्चा लोग भी भागकर जा रहा था। राजू, हाँ। कितना नसीब वाला है तू कि तू अथर्वा का बाप है। वाह वाह वाह। अरे क्या बेटा पाया है तूने और क्या पोता पाया है मैंने। कितना होशियार है, कितना समझदार है। पता है वो हर्षद का बेटा है ना, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। हाँ हाँ, विद्युत विद्युत। उसका 50,000 रुपए का मोबाइल वहाँ गार्डन में गुम हो गया है। पता है अथर्व सब बच्चों को लेके ना वहाँ पे ढूंढ रहा है मोबाइल। आप भी ढूंढ रहे थे? हाँ, उसने ना बड़ी वाली टॉर्च मंगाई है ताकि रात के अंधेरे में ना वो तलाश जारी रखे। मंगल ग्रह पे पानी की खोज नहीं करनी है, जो तलाश जारी रखनी है। राजू तू वो मत देख, ये देख कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। अरे तेरा बेटा लीडर है, लीडर। लोमड़ी है लोमड़ी। I am 200% sure कि ये जो मोबाइल है ना वो अथर्वा ने छुपाया है और एंड में खुद ही ऐसे ढूंढ कर निकाल लाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ताकि वो जो है वो हेल्पफुल लगे, जैसे मेरे मम्मी को लग रहा है, और स्कूल में जो कांड किया ना उसने, वो इस हेल्प के पीछे छुप जाए। आप लोग नहीं जानते अथर्वा क्या करूं इसका। क्यों छुपाया तूने मेरा मोबाइल? मम्मा ताकि 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 ये वो मोबाइल खुद ढूंढकर विद्युत को वापस दे सके और फिर हम महान गुणवान श्री श्री 108 अथर्व वागले महाराज जी की आरती उतार सके, है ना? तू कब बाज आएगा अपनी शरारतों से अथर्व? वंदु, पापा के हाथ से 2 बार कब गिरते गिरते बचा है, सो प्लीज अथर्व अपनी टीचर को बर्थडे गिफ्ट में कोई मेंढक देता है। अच्छा तू मेंढक लाया कहां से? अभी तो मेंढक का सीजन भी नहीं है। मेंढक था, कोई मैंगो नहीं था। मेंढक का कोई सीजन होता है क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राधिका इस बार मार्केट जाओगी ना तो चिपकली नहीं लाना। वो क्या है, चिपकली का सीजन नहीं है। अच्छे वाले मेंढक दिखे ना तो लेकर आना। रत्नागिरी या देवगढ़ के हो तो 1 डजन लेकर। सॉरी। आज हंसो मत, बढ़ावा मिलता है इसको। तू क्यों हंस रहा है इनके साथ? तू सॉरी सॉरी पापा सॉरी। बोलना क्यों दिया ऐसा वाहियात गिफ्ट? वो मम्मी टीचर से मैंने पूछा था कि मैं आपको बर्थडे पे गिफ्ट दूं, तो टीचर ने कहा सो स्वीट लेकिन गिफ्ट पे पैसे मत खर्च करना, तो इसलिए मैं स्कूल के पीछे वाले टंकी से मेंढक ले आया। पापा कप मत उठाना। हा? लोग पपी और किटन दे जाए, मैं मेंढक क्यों नहीं दे सकता? जानवरों के बीच में पार्शियलिटी क्यों? दिस इज रेसिज्म। हाँ बोलो बोलो बोलो, ही हैज अ पॉइंट, बोलो ना। मम्मी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि आपके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। प्रॉमिस। सखी दीदी कुछ तो सजेस्ट करो ना कि मैं मम्मी को कौन सा गिफ्ट दूँ जिससे उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाए। सिंपल, अजगर। अजगर दो। अजगर एज इन पाइथन? हाँ, मेरी 6 बेडरूम में रहने वाली मालती मामी है ना, उनका एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरे मामा ने उनको अजगर ला के दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। टीचर को मेंढक दिया तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई,
और तू उसे अजगर देने का प्लान बता रहा है तो लंदन लेके जाओ, बर्किंगम पैलेस के सामने 4 लाख का लहंगा पहन के फोटो खिंचवाएंगी। बर्किंगम पैलेस के सामने लहंगा पहन के कौन फोटो खिंचवाता है? मामा। सिर्फ तेरी मॉम खिंचवा सकती है, मेरी मॉम में तेरी मॉम जितनी डेयरिंग नहीं है। अथर्व तू ना ऐसा कुछ दे जो मम्मी के पास ना हो और मम्मी उसकी वैल्यू भी करे। ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा सखी दीदी, फाइंड आउट करने में मुझे हेल्प करो ना प्लीज। ऑफ कोर्स। आइडिया। ओ वाओ, समवन इज लुकिंग वेरी हॉट। थैंक यू। और आपका मूड भी अच्छा हो गया। अरे होगा ही। Somebody is looking hot. अच्छा, मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं साईराज रेस्टोरेंट में डिनर करने और तुम दोनों जा रहे हो दादी के पास खाना खाने। आलू के पराठे। Sure, sure. No problem. That's like my good girl. अच्छा, वंदना रानी, मैं तैयार हो गया था। हाँ, जीन्स और टी शर्ट रखिए बेड पे, ओके? Look. शूज भी रेडी हैं, बस जाकर रेडी हो जाओ। ये उंगलियां खींचने वाला गेम ना हम रेस्टोरेंट में खेलेंगे। वो उंगली दिखाकर वंदु रानी आज क्या ऑर्डर करें, पनीर पसंदा की पनीर मखनी की पनीर 65। ओके जल्दी रेडी हो जाना। हाँ। अच्छा मम्मा, मेरा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है तो मुझे अपने फैमिली मेंबर पे एक रिसर्च करना है। ओके। एज इन ड्रीम ऑफ अ होम मेकर। तो मैं आपको 5 सवाल पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है। ओके। ओके? लेकिन राज के आने के पहले हाँ, वो रेडी होकर आ गए तो मुझे निकलना पड़ेगा। ओके ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका कोई ऐसा ड्रीम जो कंप्लीट नहीं हुआ? ऐसे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, लेटेस्ट ड्रीम, तो मुझे अथर्व को एक जिम्मेदार इंसान बनाना। और दूसरा होगा कि मुझे ना अपना एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट खोलना है। पॉइंट नोटेड। मम्मा आपको सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ऐसी चीज जो आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि नानी माँ के आपके पास जो कंगन है वो अगर बिंदिया मासी को मिले होते तो आपको कहीं फील होता ना कि वो आपको मिलने चाहिए थे या आपका उस पर ज्यादा हक है, यू नो समथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई चीज। तुझे एक बात बताती हूँ। ओहो हो राजेश बाबू, बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम कहो तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दें क्या? हटो, तुम बड़ी वो हो, सखी और अथर्व की मम्मी। सखी और अथर्व के पापा। शर्माते हो तो और ज्यादा हैंडसम लगते हो। के बाद गाना होता है, गाना गाओ। जाएं, जाएं होटल के लिए। हाँ, जाएं। आप मुझे 500 रुपए उधार में दोगे? मैं बड़ा होके आपको रिटर्न कर दूंगा। किस लिए चाहिए? अरे आपसे थोड़ी चाहिए मम्मी। अच्छा डैडी, मैं बदले में ना आपकी शर्ट को इस्त्री करूंगा और साथ में आपके जूते पॉलिश भी करूंगा। अरे मेरा बच्चा, ये रख 500 रुपए। लेकिन पहले प्रॉमिस ये कर कि तू कभी भी मेरे जूतों को पॉलिश नहीं करेगा और मेरी शर्ट को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना 500 के बदले 5000 का नुकसान होगा। ये ले। ओके, एज यू विश। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू। हेलो दादी, मुझे मिल गए 500 रुपए। अब सुनो कि मैं कैसा गिफ्ट देके मम्मी के फेस पे स्माइल लाऊंगा। हाय मम्मी, हाय डैडी, डिनर कैसा था? सुपर्ब। वेरी गुड। और मम्मा, आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं 500 रुपए में 5000 का गिफ्ट लेके आया विद्युत से। वेट,
देखो देखो ये क्या किया तूने अथर्व? कोई बात नहीं वंदना भाभी, बच्चा है ये। मैं तो अथर्व के दिए हुए ये 500 रुपए लौटाने आई थी। वो क्या है ना, मेरा 3-बेडरूम हॉल किचन वाला जो गरीब भाई है ना, उसने मुझे पिछले रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपए नेक दिया था, उसमें से ये आखिरी 500 की नोट है। नहीं नहीं वैसा नहीं ज्योति भाभी, वो आपने दिया हुआ वो 5000 का शोपीस तोड़ दिया इसने। अरे तो क्या हुआ राजेश भाई, मेरा विद्युत तो ऐसे 3 तोड़ चुका है। और हर्षद वो तो आते जाते ऐसे जानबूझकर पैर मारते हैं मेरे भाई के दिए शोपीस को। सॉरी मॉम, मैं तो आपके फेस पे स्माइल लाना चाहता था। नहीं ला सकता है तू स्माइल, कभी नहीं ला पाएगा तू स्माइल मेरे फेस पे, तू सिर्फ ना रुलाएगा माँ को। क्या हुआ अथर्वा, तूने गिफ्ट अभी तक दिया नहीं, तोड़ डाला? मैंने इतने अच्छे से पैक किया था, तूने तोड़ डाला? डैड डैड ये देखिए, इसने आपके शूज पॉलिश किए। ये ब्राउन शूज थे, ये ब्लैक कैसे हो गए? वो ब्राउन पॉलिश नहीं मिल रहा था मैंने। और ये तो देखिए डैड, इसने तो आपका लैपटॉप बैग भी वॉशिंग मशीन में धोने डाला। ये उस पे वॉशेबल वाला टैग था इसलिए। लैपटॉप है बैग के अंदर? हाँ डैड, क्योंकि आप ही बोले ना कि पूछे बिना किसी का बैग नहीं खोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने वैसे ही धोने डाल दिया। हे भगवान, क्या कर रहे हो तुम अथर्व? बस बहुत हो गया, अथर्व की अकल ठिकाने लाने के लिए ना मेरे पास एक अक्सर इलाज है। तुम दोनों एक काम करो, 2 दिन के लिए ना 2nd फ्लोर पे जाके रहो, मैं और मिस्टर वागले यहाँ आके ना अथर्व की अकल ठिकाने लाएंगे। ऑफर एक्सेप्टेड मां। राज अभी चलो। हाँ चलो। ओफो राधिका, क्या किया तुमने? मेरी एंटीक घड़ी, कैसेट और ये ट्रॉफी ऊपर क्यों नहीं लाने दी तू? अरे हम जिंदगी भर के लिए यहाँ सेटल होने नहीं आए, सिर्फ 2 दिन के मेहमान है। ठीक है। अरे सब लोगों ने अपना फोन फुल्ली चार्ज कर दिया ना? हाँ 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 बिल्कुल, कभी भी फोन आ सकता है। का वीडियो मैसेज है। माय डियर मम्मा, आपको याद है सखी दीदी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से 3rd क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या कहा था? एक चीज है जो मुझे नहीं मिली, वो एक्चुअली मेरी ही चीज थी। मैं और तेरे डैडी कभी हनीमून पे नहीं गए, मतलब हम जाने वाले थे कुल्लू मनाली और केदारनाथ, पर उसी टाइम मेरी परनानी कोमा में चली गई और डॉक्टर ने कहा कि उनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने अपने हनीमून का प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी परनानी कोमा से बाहर आ गई और उसके बाद के उन्होंने जो 4 साल गुजारे वो बिल्कुल स्वस्थ गुजारे। हनीमून का प्लान जो उस वक्त कैंसिल हो गया ना, वो फिर बना ही नहीं। आपके लिए आपका हनीमून इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। और वो जो टूटा हुआ शोपीस था ना, उसमें तो सिर्फ टूटा हुआ कांच था, ताकि आपको लगे कि शोपीस तोड़ दिया मैंने, और अब गुस्सा हो और दादी कह सके कि जाओ 2nd फ्लोर पे रहो, चलो तभी तो सरप्राइज मिलता ना। कैसा लगा मेरा आइडिया? और डैड आपने जो 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से मैंने फूल खरीद के आपके हनीमून के रूम की डेकोरेशन की है। ऑलमोस्ट सारे फ्लावर फ्रेश है। हाँ कुछ तिवारी अंकल ने दिए,
लोगों के घर के बाहर जो तोरण लटके होते हैं ना, उसमें से निकाल के। मम्मी आपके फेस पे स्माइल आई ना। आई बेटा, बहुत 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 बड़ी स्माइल आई मम्मा के फेस पे। आई लव यू सो सो मच। मम्मी अब मुझे अडॉप्शन के लिए तो नहीं देंगे ना? और मम्मी एंड डैडी, मुझे पता चल गया कि मैं इतनी शरारत क्यों करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है। राजेश बेटा। हाँ पापा बोलिए। मैं दो मिनट के लिए नीचे आऊँ क्या? मेरी एंटीक घड़ी रह गई। अरे नहीं, अरे क्यों उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो? हाँ आओ बैठो। हाँ ठीक है बैठो, चुप बैठो। क्या चुपचाप बैठो? बैठो। एक आइडिया है, क्यों ना हम जुड़वा अथर्व प्लान करें, हम दो हमारे चार। हाँ ठीक है, फिर डिलीवरी के बाद मैं हॉस्पिटल से सीधा पटना चली जाऊंगी। अरे वाह, मतलब तुम मुझे बच्चों का चेहरा ही देखने नहीं दोगे? नहीं नहीं, पटना में अकेली जाऊंगी, बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे, फिर पालना प्यार से दो छोटे अथर्व, एक बड़ा अथर्व। हाँ मुझे तुम चाहिए। मम्मी के चेहरे पे अथर्व ले आया मुस्कान बहुत बड़ी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।